दुर्गापुर स्टील प्लांट अर्थात डीएसपी प्रबंधन द्वारा जमीन खाली करने की नोटिस के खिलाफ शुक्रवार को पुनः डीएसपी टाउन एडमिनिस्ट्रेटिव अर्थात टीए बिल्डिंग का डीएसपी भूमि उच्छेद प्रतिरोध कमेटी ने घेराव और विक्षोभ प्रदर्शन किया। इस बैनर तले चल रहे आंदोलन को राज्य की सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस की सरकार ने दिया अपना भरपूर समर्थन। तृणमूल कांग्रेस के जिला अध्यक्ष विधायक नरेंद्रनाथ चक्रवर्ती ने दी कड़ी चेतावनी, कहा उपयुक्त पुनर्वास के बगैर जमीन खाली करने से होगा जन आंदोलन और मुख्यमंत्री से लेकर विधानसभा तक उपयुक्त पुनर्वास की मांग का मुद्दा उठाएंगे। दुर्गापुर स्टील प्लांट अर्थात डीएसपी की जमीन पर दशकों से रह रहे लोगों को जमीन खाली करने की नोटिस देना धीरे धीरे डीएसपी प्रबंधन को महंगा पड़ता दिख रहा है। डीएसपी की जमीन पर रह रहे लोगों को जमीन खाली करने की नोटिस मिलते ही उपयुक्त पुनर्वास की मांग पर आंदोलन पर उतर आए हैं स्थानीय लोग। डीएसपी की जमीन पर दशकों से रह रहे लोगों ने तनिक भी देर नहीं की और नोटिस के खिलाफ सड़कों पर उतर कर विरोध करने लगे। बारी बारी से डीएसपी प्रबंधन का घेराव एवं विरोध प्रदर्शन कर अपना संकेत स्पष्ट करना चाह रहे हैं कि उपयुक्त पुनर्वास के बिना जमीन खाली कराना आसान नहीं है। शुक्रवार को पुनः डीएसपी की टाउन एडमिनिस्ट्रेटिव अर्थात टीए बिल्डिंग का घेराव कर प्रदर्शन किया गया। इस प्रदर्शन में राज्य की सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस नेतृत्व का संपूर्ण समर्थन दिखा। इस मौके पर पश्चिम बर्धमान जिला तृणमूल कांग्रेस के अध्यक्ष एवं विधायक नरेंद्रनाथ चक्रवर्ती मुख्य रूप से उपस्थित थे। इनके अलावा तृणमूल कांग्रेस नेता एवं पूर्व विधायक विश्वनाथ पाड़ियाल, पूर्व जिला अध्यक्ष विश्वदासन दासु, दुर्गापुर नगर निगम प्रशासनिक बोर्ड के सदस्य धर्मेंद्र यादव, पार्षद रुपेश यादव, राखी तिवारी, पूर्व पार्षद अरविंद नंदी, मानस राय, राजीव घोष, राजू सिंह उपस्थित थे। इस दिन टीएसपी भूमि उच्छेद प्रतिरोध कमेटी के नेतृत्व में गांधी मैदान से प्रतिवाद जुलूस निकाल कर टीए बिल्डिंग पहुंची, जहां जुलूस सभा में तब्दील हो गई। डीएसपी भूमि उच्छेद प्रतिरोध कमेटी के बैनर तले आयोजित विरोध प्रदर्शन मंच से राज्य की सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस नेताओं ने एक के बाद एक हमले डीएसपी प्रबंधन पर किए। यहां तक कि बर्धमान दुर्गापुर लोकसभा केंद्र के बीजेपी सांसद एसएस आलूवालिया को भी डीएसपी की जमीन खाली कराने की नोटिस पर आड़े हाथों लिया और कहा कि सांसद दिखावा न करें बल्कि सच्चे मन से वर्षों से रह रहे लोगों के साथ खड़े होकर उपयुक्त पुनर्वास की लड़ाई में अपना सहयोग दें। पलासडीहा, तामला, फरीदपुर, ओल्ड कोट, कादा रोड एवं गेमन कॉलोनी में दशकों से रह रहे लोगों के आंदोलन में अपना साथ दें। केवल मात्र बुलडोजर के सामने खड़े रहने और डायलॉग से काम नहीं चलेगा। इस दिन डीएसपी भूमि उच्छेद प्रतिरोध कमेटी के प्रतिवाद मंच पर अपना वक्तव्य रखते हुए जिला तृणमूल कांग्रेस के अध्यक्ष विधायक नरेंद्रनाथ चक्रवर्ती ने कहा कि उपयुक्त पुनर्वास के बगैर जमीन खाली कराने नहीं दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि कारखाने का विस्तारीकरण का हम विरोध नहीं करते, परंतु उन लोगों के लिए भी सोचना पड़ेगा जो आज 50-60 वर्षों से यहां रह रहे हैं, उनके परिवार बाल बच्चों के लिए भी सोचना होगा। नरेंद्रनाथ चक्रवर्ती ने कहा कि इस मामले को लेकर राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से भी बातचीत करेंगे और जरूरत पड़ी तो मंत्री मलय घटक, प्रदीप मजूमदार, तापस बनर्जी, विधान उपाध्याय हरेराम सिंह सब मिलकर विधानसभा में भी पुनर्वास के मुद्दे को उठाएंगे। नरेंद्रनाथ चक्रवर्ती ने सांसद एसएस आलूवालिया पर तंज कसते हुए कहा कि डीएसपी केंद्र सरकार की अधीन में है और केंद्र में उनकी सरकार है, ये मुद्दा संसद में क्यों नहीं उठाते हैं। नरेंद्रनाथ चक्रवर्ती ने एसएस आलूवालिया को सलाह दी कि सच्चे हृदय से डीएसपी की नोटिस से मायूस हुए लोगों का साथ दे, न कि राजनीति करें। इसके बाद भी अगर बीजेपी सांसद अपना कर्तव्य नहीं निभाते हैं तो हम उनका घेराव करने से भी पीछे नहीं हटेंगे। देखो ने दुरोगमेर प्रतिरोध है एक लोक देखानो और हृदय दिए एमपी साहब के बोलुन जेटा पश्चिम बांगला এটা মোদীর উত্তর প্রদেশ নয় যেখানে বুলডোজার চলবে। মমতা শান্তির স্বর্গ, এখানে বুলডোজার চলে না, কারো বাপের তাগত নেই, এখানে বুলডোজার দিয়ে ভেঙে দেবে। আপনি মঞ্চে বক্তব্যতে বললেন যে দরকার হলে তাকে এখান থেকে বেরোতে দেওয়া হবে না, কিভাবে আটকাবেন তাকে? তিনি আমাদের এমপি, মানুষের রায়ে তিনি নির্বাচিত হয়েছেন, তিনি যদি মানুষের কথা না বলেন, সংসদে মানুষের কথা না তোলেন,
আমরা তাকে ঘেরাও করব বলছি তো হচ্ছে এটা নিয়ে কি অযথা রাজনীতি হচ্ছে এই ভূমি উচ্ছেদ নিয়ে দেখুন কে রাজনীতি করছে আমাদের দেখার প্রয়োজন নেই কিন্তু আমরা যে মানুষগুলো শুকনো মুখ যে মানুষগুলো গৃহ হারানোর ভয়ে অনিদ্রায় অনিশ্চয়তায় ভুগছে দুর্গাপুরের তৃণমূল কংগ্রেস তাদের পাশে আছে বিশু আছে উজ্জ্বলদা আছে আমরা সবাই একই সঙ্গে আছি পুনর্বাসন ছাড়া সংস্কার হবে না দেখুন এটা বাংলার নিয়ম মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ঠিক করে দিয়েছেন যে মানুষের কোনো কারখানা বা কোনো ব্যবসা সম্প্রসারণ নিশ্চয় হবে উন্নয়ন হবে কিন্তু তা বলে কারো বুকে পা দিয়ে নয় তাই উপযুক্ত পুনর্বাসন দিয়েই মানুষের পুনর্বাসন দিয়েই এই উন্নয়ন বা সম্প্রসারণের কাজ করতে হবে মুখ্যমন্ত্রী সাহায্য নেবেন আমরা 100 বার তিনি আমাদের রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী আমরা আমাদের কষ্টের কথা এই শুকনো মুখের মানুষগুলোর কথা নিশ্চয়ই তার কাছে পৌঁছে দেব উল্লেখনীয় হ্যাঁ কি ডিএসপি প্রবন্ধন নে আপনি জমিন হোনে কা হাওয়ালা দেতে হুয়ে इलाकों के लोगों को जमीन खाली करने की नोटिस दे दी है परंतु स्थानीय लोगों का कहना है कि उनके पास राशन कार्ड से लेकर मतदाता पहचान पत्र आधार कार्ड बिजली बिल समेत सारे दस्तावेज मौजूद हैं यहां तक कि बड़ी संख्या में युवाओं के पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट्स भी है जिनके जरिए वे विभिन्न क्षेत्रों में सरकारी नौकरी कर रहे हैं इसलिए इस लिहाज से भी यहां के मूल बाशिंदे वे बन गए हैं और यहां उनकी 2 से 3 पीढ़ियां गुजर गई हैं अब अचानक से जमीन खाली करने की नोटिस देने से हजारों की आबादी का भविष्य क्या होगा लोगों का ये भी कहना है कि पुनर्वास के बिना जमीन खाली करने का सवाल ही नहीं उठता नोटिस में लिखा गया है कि दुर्गापुर स्टील प्लांट की लगभग 177 एकड़ जमीन पर 2200 से ज्यादा अनाधिकृत अस्थायी एवं स्थायी कच्चे पक्के मकान दुकान गैराज मंदिर मस्जिद स्कूल होटल ट्रांसपोर्ट ऑफिस कम्युनिटी टॉयलेट गोदाम व कोयला डिपो बने हुए हैं दुर्गापुर से साधन रूज की रिपोर्ट पब्लिक टाइम्स আপনার জীবনের প্রতিটি বিশেষ মুহূর্তকে আরো বিশেষ করে তুলতে সেনকো গোল্ড এন্ড ডায়মন্ড নিয়ে এসেছে সুন্দর সুন্দর জুয়েলারি কালেকশন বিয়ে বাড়ি হোক বা অনুষ্ঠান বাড়ি জন্মদিন হোক কিংবা আপনাদের প্রিয়জনকে বিশেষ কিছু উপহার দিতে চান তাহলে চিন্তার কিছু নেই চলে আসুন সেনকো গোল্ড এন্ড ডায়মন্ড জুয়েলার্সে একেবারে নতুন জুয়েলারি কালেকশন যা একবার দেখলেই আপনাদের পছন্দ হবে এছাড়াও এখানে পেয়ে যাবেন নাড়ু গোপালের জন্য অপূর্ব সুন্দর রূপোর জুয়েলারি কালেকশন আমাদের ঠিকানা আসানসোল শোরুম হোটেল সরিতা বিল্ডিং জিটি রোড আসানসোল কন্ট্যাক্ট নাম্বার 8170065426 8170030493 দুর্গাপুর শোরুম জাংশন মল সিটি সেন্টার দুর্গাপুর কন্ট্যাক্ট নাম্বার 8170030497